हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं हूं प्रेम शुक्ला, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी फ़ोटो को लोगो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स आपकी कोई भी फ़ोटो है, आपने फ़ोटो को क्लिक किया और आप उसको अपने यूट्यूब चैनल के लिए उसका लोगो बनाना चाहते हो, तो कैसे बना सकते हो? और मैं बता दूं कि जो आपके फ़ोटो का जो बैकग्राउंड रहेगा वो भी रिमूव हो जाएगा और कोई सॉलिड कलर उस बैकग्राउंड की जगह पर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपको यहाँ पर सर्च करना है PFP मेकर, या आप राइट कर सकते हो PFPmaker.com। तो मैं PFP मेकर सर्च किया, ये फर्स्ट साइट जो आपको दिख रही है PFP मेकर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक ग्रीन कलर का प्लस का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हो आपको वो फ़ोटो चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, मैंने ये फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें ये प्रोफाइल पिक्चर बना रहा है। तो यहाँ पर अब हमारा फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं कि जनरेट हो गया है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो मैंने यही फ़ोटो सेलेक्ट की थी और इसके आप लोग देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड हट गया है और कितने ढेर सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप अपने फ़ोटो को एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, आप इसको सेट कर सकते हो इसका फ्रेम की फ़ोटो कैसी रहेगी। यहाँ पर आप इसको जूम भी कर सकते हो और आपको यहाँ पर इसके जूम के ऊपर रोटेट का ऑप्शन भी दिख जाता है, आप अपनी फ़ोटो को जितना चाहे रोटेट भी कर सकते हो। तो मैंने ये सेट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, जो नीचे ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये जो अभी अभी आपने सब इसमें चेंजेस किए वो भी आ जाएंगे। ये देख लीजिए कि ये किस तरीके का कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब कलर्स इसके बाद ऑप्शन आता है, तो आप इसके बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर शैडो का ऑप्शन है, आपको डिफरेंट टाइप्स के शैडो भी यहाँ पर मिल जाते हैं इस साइट पर। और आपको अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, जो भी आप फ़ोटो चाहे, जो भी आपको यहाँ पर टेम्पलेट पसंद आए, आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे आप अपने चैनल आर्ट का भी यहाँ से पा सकते हो। वो कैसे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आई का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू एंड बैकग्राउंड्स, डाउनलोड अ मैचिंग बैकग्राउंड विद योर न्यू प्रोफाइल पिक, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड भी एक मिल जाता है जो कि आपके फ़ोटो से थोड़ा मैच करेगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ये आप अपने चैनल आर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है आपको मैं बताता हूँ। तो आपको सिंपली से फ़ोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर ग्रीन कलर के डाउनलोड के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये इसका बैकग्राउंड जो था वो डाउनलोड हो गया है। अब फ़ोटो आप डाउनलोड करना है तो आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपको उसी तरह का ग्रीन आइकन दिखेगा, फिर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब ये फ़ोटो भी आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और ये PNG इमेज है, मीन्स इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, सर्कुलर फ़ोटो है ये, जो कि आप अपने लोगो के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का ये सेव हो गया है हमारे फ़ोन में ये फ़ोटो। मैं आपको अभी जो मैंने बैकग्राउंड इसका सेव किया था वो भी यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।